तो जय हिंद मेरे रेल फैन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। और स्वागत है आपका एक नए सफर में, और स्वागत करता हूं कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली शहर के हुबली जंक्शन से। और आज हम यहां से जाएंगे ग्वालियर, जो अपने किलों के लिए जाना जाता है। और आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है 22685 कर्नाटका चंडीगढ़ संपर्क क्रांति की, जो यशवंतपुरम से चल के चंडीगढ़ को जाती है, जिसका चलने का टाइमिंग है यशवंतपुरम से दोपहर के 2:30 बजे, और तीसरे दिन हमको पहुंचाती है चंडीगढ़ लगभग 3:40 पे। तो इसी की जर्नी होने वाली है। तो चलिए प्लेटफॉर्म के अंदर, और आइए दिखा देते हैं हुबली रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा, क्योंकि हुबली स्टेशन अब बन चुका है विश्व का सबसे एक नंबर का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो आइए हुबली रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ आपको दिखा देते हैं, उसके बाद रात में लगभग 9:45 पे अपनी ट्रेन आएगी हुबली जंक्शन पे, तो उसको बोर्ड करेंगे। उससे पहले आप एक नज़र हुबली स्टेशन को देख लीजिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है, बाय। तो दोस्तों, जैसे ही आप गेट पे आएंगे हुबली स्टेशन के, वैसे सामने आपको एकदम स्टेशन के ठीक बगल में बाहर निकलते ही आपको श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी का स्टेच्यू दिख जाएगा। और बाहर से देख लीजिए, ये रेलवे स्टेशन नहीं, एकदम एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की तरह इसको बनाया गया है। बाहर से कितना आकर्षक और शानदार लग रहा है हुबली स्टेशन। और सामने आपको दिख जाएगा स्वच्छ भारत का लोगो, और ये हैं अपने गांधी जी, एकदम मेन एंट्री गेट पे ही इनका स्टैचू है। और एंट्री गेट के दूसरे तरफ है समृद्ध भारत, उधर था स्वच्छ भारत, और गांधी जी का चरखा उस तरफ, गांधी जी बने इस तरफ चरखा बना है, और इस पे लिखा है माय लाइफ इज माय मैसेज, महात्मा गांधी जी। तो आइए चलते हैं अंदर। और अंदर एंट्री लेते ही आपको सामने दिख जाएगा आईआरसीटीसी का फूड प्लाजा, और दूसरी तरफ आपको मिल जाएगा बड़ा वेटिंग हॉल, जिसमें आप रिजर्वेशन टिकट काउंटर सब मिल जाएगा, एवीटीएम पूछताछ काउंटर सब मिल जाएगा। और सामने देख लीजिए, ऊपर लगा है बहुत बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर पंखा। और स्टेशन से अंदर आते ही आपको दिखा जाएगा श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी नमः, वेलकम यू। ठीक बगल में एंट्री लेते हुए है आई लव हुबली, कितना शानदार लग रहा है आप लोग देख सकते हैं। और ठीक बगल में आपको दिख जाएगा हम्पी के मंदिरों का समूह, जो कर्नाटका के विश्व फेमस वर्ल्ड फेमस हेरिटेज सूची में शामिल है, उन मंदिरों का समूह आपको दिख जाएगा विश्व विरासत सूची में, ये सब मंदिर शामिल हुए हैं। इसका नज़ारा कुछ ऐसा है, और आप देख सकते हैं कितना काफ़ी आकर्षक और शानदार लग रहा है। और इसी के ठीक बगल में आपको अमानती घर क्लॉक रूम मिल जाएगा, इसमें आप कुछ पैसे देकर अपना सामान रख सकते हैं, और 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। काफ़ी शानदार बनाया गया अपने हुबली रेलवे स्टेशन को, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन। तो इस समय हम लोग आ चुके हैं श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और इस यही विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इस समय हो चुका है। इसके पहले गोरखपुर पहले नंबर पे था, उसके बाद उसको पछाड़ते हुए अपना हुबली जंक्शन श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी नाम के अनुरूप ही इसका प्लेटफॉर्म भी इतना लंबा हो चुका है, 1505 मीटर का प्लेटफॉर्म है। टाइम की कमी है इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, बाकी दिन का टाइम होता तो हम आपको दिखाते कि 1505 मीटर का पूरा 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा का प्लेटफॉर्म है। ते भी बैठे हुए आपको मिल जाएंगे बूढ़ा और बुढ़िया, दोनों लोग मिल जाएंगे, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बनाया गया है।
पहले इस स्टेशन पे केवल 5 प्लेटफॉर्म था, लेकिन इसको डिजाइन करके जब बनाया गया अपना एयरपोर्ट जैसा स्टेशन, तो इसको बढ़ा के प्लेटफॉर्म 8 कर दिया गया। और इस एक नंबर प्लेटफॉर्म को इतना लंबा बनाया गया है कि इस पे एक साथ 2 ट्रेनें लग जाएंगी, एक नंबर और आगे जाके 8 नंबर, दोनों प्लेटफॉर्म इसी पे है, एक नंबर और 8 नंबर। तो आप जब भी ट्रेन पकड़ने आए इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एक नंबर और उसके आगे 8 नंबर दोनों एक ही रूट पे है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है। और दोस्तों अगर आप इस स्टेशन पे आते हैं तो आपको रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पे डॉर्मेट्री रूम बनाया गया है और रिटायरिंग रूम भी बनाया गया है, सब बनाया गया है। तो जिसका चार्ज है डॉर्मेट्री का 75 रुपीज़ पर पर्सन 12 घंटे के लिए, तो 12 घंटे के लिए आपको 75 रुपये में कमरा मिल जाएगा, डॉर्मेट्री बेड की सुविधा मिल जाएगी। बाकी रिटायरिंग रूम अभी हम गए थे तो अभी उसका चूना पेंट हो रहा था, तो अभी उपलब्ध नहीं था, इसीलिए हमने डॉर्मेट्री लिया था उसका बता रहे हैं। और बाकी 24 घंटे के लिए अगर आप रुकते हैं तो उसका 150 हो जाएगा, तो यहाँ पे रुक सकते हैं। बाकी IRCTC का फूड प्लाजा है, उस पर अपना खाना पीना भी खा सकते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भैया 2 रेल निर्देश दूसरा है, दूसरा कोई है कोल्ड दे दीजिए। तो दोस्तों WDP4D लोकोमोटिव के साथ आ चुकी है अपनी चंडीगढ़ कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और देख लीजिए आप इसका लोकोमोटिव, और इसमें 2 जनरल के कोच आगे लगाए गए हैं जो एकदम खाली ही है। उसके बाद आपको AC का कोच देखने को मिलेगा और AC के बाद शुरू हो जाता है अपना स्लीपर कोच। और आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है स्लीपर कोच में होने वाली है, तो आइए चलते हैं अपने कोच में और दिखा देते हैं उसका इंटीरियर, उसके बाद दिखाएंगे आपको इसका डिपार्चर। और आइए दोस्तों इसका दिखा देते हैं आपको इंटीरियर, कुछ ऐसा है। और इस तरफ देख लीजिए आपको सामने मिरर मिल जाएगा और चार्जिंग सॉकेट, और सामने भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। बाकी ICF ब्रेक के साथ चलती है अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति। और यशवंतपुरम से अपनी ट्रेन आ चुके है हुबली जंक्शन, लेकिन अभी तक अपनी पूरी की पूरी सीट खाली है। और यह अपना साइड लोअर 31 नंबर साइड लोअर है। बाकी देख लीजिए पूरा की पूरी ट्रेन खाली है। और ये देख लीजिए इसका वॉश बेसिन का नज़ारा, मिरर क्लीन है एकदम, पानी आ ही रहा है। बाकी यहाँ पे डस्टबिन, और हैंगर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, है लेकिन इसमें कोई उखाड़ के लेके चला गया है। बाकी यहाँ पे मिरर मिल जाएगा और पानी इसमें आ ही रहा है, यहाँ डस्टबिन भी है और प्लस भी है, सही है, सब मोटा मोटी साफ है, क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों समय देख लीजिए 21:56 यानी 9:56 हो रहे हैं और अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। अपने नाम के अनुरूप ही इसका प्लेटफॉर्म की लंबाई है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, जितना बड़ा नाम है उसी के हिसाब से इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है। तो इसका डिपार्चर हो चुका है, 9:50 पे इसका डिपार्चर था लेकिन 5 मिनट देरी से इसका डिपार्चर हुआ है।
श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, अलविदा, फिर मिलेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका धारवाड़ स्टेशन पे। और बात करें धारवाड़ स्टेशन की, तो धारवाड़ अपना पड़ता है कर्नाटक जिले में, और धारवाड़ कर्नाटक के 31 जिलों में धारवाड़ अपना जिला एक है। और बात करें धारवाड़ स्टेशन की, तो टोटल 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 52 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्टिंग करती हैं। और 4 ट्रेनों का यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, 4 ट्रेनें यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं, तो टोटल 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 52 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग होता है। और बात करें स्टेशन कोड की, तो DWR इसका स्टेशन कोड हुआ, और ये पड़ता है अपना साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुबली जंक्शन में। तो टोटल हुबली से 20 किलोमीटर तय करने के बाद अपने ट्रेन का यहाँ पे धारवाड़ जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है। और मिलते हैं आपसे सीधा सुबह में। पुणे जंक्शन का ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो गुड मॉर्निंग मेरे रेल फैन, सुबह के 8:50 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है पुणे जंक्शन पे। और बात करें पुणे की, तो पुणे टोटल 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 116 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग होता है, और 17 ट्रेनें ओरिजिनेट करती हैं और 17 ट्रेनें यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं। तो पुणे का स्टेशन कोड हुआ अपने नाम के अनुरूप PUNE, और ये पड़ता है अपना सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीज़न में। और बात करें पुणे के जंक्शन पॉइंट की, तो जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से जिधर से हम लोग आ रहे हैं और जिधर को जाएंगे, यानी भुसावल होते हुए निजामुद्दीन दिल्ली को जाएगी ट्रेन, और दूसरी एक लाइन यहाँ से मुंबई को जाती है और एक लाइन यहाँ से केरला साइड जाती है, तो इसीलिए जंक्शन पॉइंट भी है। और दूसरी तरफ आ चुकी है हैदराबाद से मुंबई जाने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस। और दोस्तों यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इडली सांभर वड़ा सारे चीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दोस्तों अपनी ट्रेन का यहाँ पे आने का टाइमिंग था 8:55 पे, लेकिन अपनी ट्रेन आई है 5 मिनट बिफोर, यानी 8:50 पे। और टोटल ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट रुकने वाली है, क्योंकि यहाँ 15 मिनट का स्टॉपेज है और 9:10 का डिपार्चर होना है, तो टोटल ट्रेन 15-20 मिनट रुकने वाली है। बाकी पुणे को आपको पता ही होगा, पहले पूना कहा जाता था, तो इसका पहले नाम पूना हुआ करता था, बाद में इसको बदल के पुणे कर दिया गया। यहाँ पे अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल होना है, इसीलिए इसको 15 मिनट का टाइमिंग दिया गया है, बाकी लोको रिवर्सल हो जा रहा है, तो अपनी ट्रेन जाएगी रिवर्स डायरेक्टर में, यानी उल्टी दिशा में फिर से जाएगी जिधर से आए थे उस साइड में। तो इसके बाद आपको दिखा देते हैं इसका डिपार्चर। जंक्शन होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जो सारी जगहों को एक साथ जोड़ता है और महाराष्ट्र का एक वेरी बिजी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से कई सारी जगहों के लिए लाइनें जाती हैं, तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और इस ट्रेन का मार्केट बनता है पुणे से, क्योंकि
यशवंतपुरम से लेके पुणे तक ट्रेन एकदम खाली आई है। यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग बोर्ड किए हैं और यहाँ से इसका मार्केट बनता है। यहाँ से एकदम पूरे अपनी ट्रेन में पूरा खचाखच भीड़ हो चुका है। तय समय से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है पुणे जंक्शन से। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट स्टॉपेज मनमाड़ पे। बाय बाय पुणे जंक्शन।